पूर्व के ग्रह हैं सूर्य और स्वामी है इंद्र। सब लोग जानते हैं कि सूर्य जीवन का प्रतीक माने जाते हैं और भगवान इंद्र प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माने जाते हैं। सूर्य जब चमकते हैं तो जीवन में प्रकाश कर देते हैं और भगवान इंद्र जब खुश होते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुशियां हमें दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि पूर्व दिशा से जुड़े हुए वास्तु दोष हमें क्या तकलीफें दे सकते हैं और क्या होते हैं ये वास्तु दोष। दोस्तों, पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दिशा में अगर वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं तो बहुत सी परेशानियां आती हैं। जिस प्रकार आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, आपके लिए पैसा ठीक अर्न हो रहा है, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन मान सम्मान में कमी हो गई, छोटा बड़ा कोई भी आपकी इंसल्ट करके कभी भी चला जाता है। होता यह भी है कि आपका बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है, उस टाइम आपके एम्प्लॉयज भी आपको ओबे करना छोड़ देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपकी लीडरशिप अथॉरिटी जितनी भी चीजें हैं सब फेल होने लगती हैं। क्यों ऐसा होता है? हो सकता है कि ईस्ट में आपने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आपको आ गई। आपकी हेल्थ भी कभी कभी डाउन होने लगती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आने लगती है, आईज में प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। ईस्ट की दिशा के वास्तु दोष हमेशा हमें ठीक करके रखने चाहिए। क्या होते हैं ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा के वास्तु डिफेक्ट्स? दोस्तों, बहुत बारीकी से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ईस्ट ऊंची है और वेस्ट डाउन है तो प्रॉब्लम है। ईस्ट में स्टोर बना रखा है और वेस्ट बिल्कुल खाली है तो प्रॉब्लम है। ईस्ट में सीढ़ियां हैं तो प्रॉब्लम है। ईस्ट में अगर आपने कोई ऐसी गंदगी रख रखी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ईस्ट में टॉयलेट है तो यह एक वास्तु डिफेक्ट बन जाता है। ईस्ट में कोई बड़ी अलमारी आपने रख दी तो यह वास्तु डिफेक्ट बन जाता है। तो ईस्ट को बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन माना गया है, साफ सुथरा रखना होता है ईस्ट को।